हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आप लोगों को सुरक्षा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिटर थ्योरी में, सुरक्षा बताई थी। क्या है सुरक्षा और सुरक्षा कितने प्रकार की होती है और हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सुरक्षा के साधन, किसके बारे में, सुरक्षा के साधन के बारे में पढ़ाऊंगी कि हमें कौन कौन से ऐसे साधन है जो हमारी सुरक्षा करते हैं। आप देखिए, पीपीईएस का पूरा नाम क्या है? पीपीईएस का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका अर्थ है ऐसी वस्तुएं जो हमारी सुरक्षा करती हैं, मतलब स्वयं की सुरक्षा, खुद हमारी, हमारे शरीर की जो सुरक्षा करती हैं, जैसे कपड़े, हेलमेट, चश्मा, चमड़े के जूते, दस्ताने, ये सारी चीजें क्या करती हैं? हमारी सुरक्षा करती हैं। जैसे कपड़े हमारे शरीर की सुरक्षा, हेलमेट क्या है हमारे सिर में जिसे हम बांधते हैं काम करते समय हमारे सिर की, चश्मा क्या है आंखों की सुरक्षा करता है, जैसे हम ग्राइंडिंग मशीन पे काम करते हैं, ग्राइंडर कर रहे होते हैं या अन्य स्पार्क किसे हमारी सुरक्षा करता है, जैसे चश्मा। चमड़े के जूते हमारे पैरों की सुरक्षा करता है। दस्ताने जो है हमारे हाथों के, स्पेन आदि। उपरोक्त साधन विद्युत, ऊष्मा, रसायन, स्पार्क आदि से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। क्या है? ये हमारी सुरक्षा करती है, हमारे शरीर के जो अंग हैं उनकी सुरक्षा करती है, तथा हमें उपरोक्त विद्युत, ऊष्मा, रसायन, स्पार्क आदि से क्या करती है? बचाती है। जैसे रासायनिक किरणें आती हैं, वो आती हैं, तो चश्मा, हेलमेट, कपड़े, चमड़े के जूते, ये सब क्या करती हैं? हमारी सुरक्षा करती हैं। तो ये क्या है? हमारी सुरक्षा के। अभी मैंने आप लोगों को सुरक्षा के जो अपने लिए, जो हमें स्वयं की सुरक्षा के लिए करने हैं, उसके बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्कशॉप में, जैसे आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। यदि देखिए वर्कशॉप में अचानक से शॉर्ट सर्किट से या किसी कारणवश आग लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? वर्कशॉप में आग लगने पर हमें फायर अलार्म बजाना चाहिए, क्योंकि यदि हम फायर अलार्म बजाएंगे तो उसकी आवाज आएगी तो लोगों को पता चलेगा, जैसे जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे होंगे उन लोगों को भी पता चलेगा। उससे क्या होगा? वो लोग बच जाएंगे, कोई खतरा होने से बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? वर्कशॉप में आग लगने पर आग आग करके जोर जोर से पुकारना चाहिए, ताकि जिन लोगों को पता ना हो या जिन्होंने जिन्हें पता नहीं है, जिन्होंने अलार्म नहीं सुना है, ऐसा कुछ रहा हो, उन तक हमारी आवाज पहुंचे। फिर उसके बाद क्या है? देखिए, बिजली के मेन स्विच को तुरंत बंद करें, क्योंकि अगर हम बिजली का मेन स्विच बंद करेंगे उससे भी क्या होगा? देखिए, अगर मेन स्विच बंद हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें क्या है, आग लगने से बच जाएंगी। फिर क्या करेंगे? आग लग गई, अब ये नहीं करना है कि हमें भगदड़ मचानी है, इधर उधर भागना है, ऐसा नहीं है। सीधे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और अन्य लोगों को भी बाहर निकलने का रास्ता देंगे। आग लगने पर भगदड़ ना मचाएं। कभी भी आग लगती है वर्कशॉप में, हम काम कर रहे होते हैं, अचानक से आग लगती है, तो उसमें क्या करना है? भगदड़ नहीं मचानी है, इधर उधर नहीं भागना है, सीधा रास्ता देखना है और देखना है कोई अन्य दरवाजा या कहीं से और है बाहर निकलने का, तो उधर से प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना है? सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कूदेंगे या कुछ इधर से जाएंगे, उससे क्या होगा? फिर से हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड, जैसे फायर ब्रिगेड है, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे। क्या करेंगे? सूचना देंगे फायर ब्रिगेड को कॉल के माध्यम से, या कैसे उसको हम सूचित करेंगे कि यहाँ पे आग लग गई है, आप यहाँ पे आइए। और क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड वाले आए तो उनके साथ हम आग बुझाने में उनकी मदद करेंगे, कहीं पे झुंड बना के नहीं रहेंगे, जिससे हमारे झुंड बनाने से अन्य लोगों को परेशानी हो, निकलने का रास्ता ना मिले। फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, जब तक हमने क्या करा, उसको सूचित किया, वर्कशॉप में लगे फायर एक्सटिंग्विशर को प्रयोग में लाएंगे। कैसे? उससे भी हम क्या करेंगे? आग बुझाने का
करेंगे। फिर उसके बाद यदि देखिए अगर कोई व्यक्ति आपकी चपेट में आ गया या वो बेहोश हो गया, किसी तरह की उसको कोई हानि हो गई है, तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार देकर हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है, क्या आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने सारी बातें बताई हैं, हमें आग लगने पर इनका ही प्रयोग, इन नियमों का पालन करना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को आग जब लगेगी वर्कशॉप में तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया। आप देखिए आग लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आग किन किन कारणों से लग सकती है। देखिए आग लगने के क्या है, निम्नलिखित कारण है, बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन होने से। यदि हमारा बिजली के तारों में कनेक्शन ढीला है तो उससे भी क्या है, आग लग सकती है। फिर बिजली के तारों पर ज्यादा लोड होने से, यदि देखिए बिजली के तारों पर ज्यादा लोड है, अगर उन तारों पर ज्यादा लोड है तो उससे भी क्या है, आग लग सकती है। फिर क्या है, विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न रखना। देखिए यदि विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या है, अव्यवस्थित होंगे, उनका हमने ध्यान नहीं रखा तो उससे भी क्या है, आग लग सकती है। फिर बिजली के शॉर्ट सर्किट से, यदि देखिए बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ तो उससे भी क्या है, आग लग सकती है। फिर क्या है, देखिए धूम्रपान करने से, धूम्रपान क्या है, धूम्रपान से मान लीजिए रासायनिक पदार्थों में भी क्या है, रासायनिक पदार्थ रखे और हमने धूम्रपान किया तो वहां पे क्या है, आग लग सकती है। धूम्रपान भी आग लगने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर कहीं पे धूम्रपान हम कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थ रखे हैं, तो वहां पे क्या है, आग लग सकती है। फिर क्या है, देखिए मशीन, तेज चलने वाली मशीनों के पार्ट को तेल न देने से। यदि कोई मशीन पर कार्य हो रहा है, वो बहुत तीव्र गति में चलती है, और अगर हमने उसके पार्टों को तेल नहीं दिया तो उसमें भी क्या है, आग लग सकती है। मशीन पर भी आग लगेगी, अगर मशीन पर आग लगेगी तो अन्य जगह भी वो आग फैल सकती है। तो क्या है, आग लगने के कारण, ये सारे जो है आग लगने के कारण है। अभी मैंने आप लोगों को आग बताई, आग कितने उसकी होती है प्रकार से, किन किन प्रकारों से आग लग सकती है, बिजली के तारों से कैसे लग सकती है। अब हम बताएंगे आग को बुझाना। यदि बिजली के शॉर्ट सर्किट से या बिजली के इससे आग लगती है तो हमें आग कैसे बुझानी है। बिजली की आग को CTC फायर एक्सक्यूटर से बुझाएंगे। हम क्या करेंगे, फायर एक्सक्यूटर से, CTC से। देखिए ये कौन सी होती है, ये क्लास डी फायर होती है ये। ठीक है, तो बिजली की आग को हम कभी भी पानी से या अन्य चीजों से ऐसे नहीं बुझाएंगे। अब हम आते हैं, देखिए लकड़ी की आग को हमें कैसे बुझाना है। अगर लकड़ी से आग लगी है तो हमें कैसे बुझाना है, तो लकड़ी की आग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पानी, मिट्टी, रेत, इससे बुझाएंगे हम लकड़ी की आग को। ठीक है, किससे, पानी, मिट्टी और रेत से। तो ये कौन सी, ये क्लास ए की आग होती है, कौन सी, लकड़ी की। तो किससे, पानी, मिट्टी, रेत से। अब आते हैं हम गैस की आग, गैस की आग को किससे बुझाएंगे, गैस की आग को पानी तथा ड्राई पाउडर से। तो ये कौन सी होती है, क्लास सी। तो इसलिए जो है देखिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यदि हमें बिजली की आग बुझानी है तो इसका, लकड़ी की बुझानी है तो पानी, मिट्टी, रेत का, और गैस की बुझानी है पानी तथा ड्राई पाउडर का।